इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, चेयरमैन गौहर साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, तमाम अकाबरीन जो स्टेज पर मौजूद हैं, बहनों भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कल मैं अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तकरीबन दो घंटे उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। मैं उनका पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये मुझ पर फर्ज है और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आज हम जिस जबर का दो चार हैं, हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, ना चादर महफूज है ना गरीबान महफूज है, हमारी माओं बहनों बेटियों पर हाथ उठ रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, और यह सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूं कि आज जबर का कुफर का वो निजाम कायम है जिसके सामने हर पाकिस्तानी एक कीड़ा है। ये समझ बैठे हैं कि हम खामोश रहेंगे, हम अपने घरों में दबक जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा, मेरी कौम को कह दो कि अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें निकलना पड़ेगा, इस मुल्क के मैदान, इस मुल्क की सड़कें तुम्हारी मुंतजर हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो चुन चुन कर अपने घरों में मारे जाओगे। ये मामला जो आज हो रहा है, जो जबर हो रहा है, वो हाजी इम्तियाज का घर हो, वो इंतजार पंजोता हो, वो कोई भी हो, हमारे सैकड़ों दोस्तों जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके कारोबार बंद किए गए, जिनकी फसलों को उजाड़ा गया, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब आप और मैं हैं। हमने इन सब के लिए खड़ा होना है, हमने अपने लिए खड़ा होना है, अपनी नस्लों के लिए खड़ा होना है। आज इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, अदालतों को महकूम कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि आज जो कठपुतली हुकूमत मौजूद है, उसकी इमा से, उसकी इजाजत से अदालतें काम करें, वहां जजों को चुन चुन कर इस तरह लगाया जाए कि उनके सर जो हैं वो झुके हुए हों, उनके दिल मुर्दा हों। आज 9 नवंबर है, ये मुफक्किर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि जिंदगी में अगर किसी से उन्होंने कुछ सीखा है तो वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत है, वो अल्लामा इकबाल के अफकार हैं। मुझे है हुक्म अल्लामा इकबाल ने उस वक्त एक शेर कहा था जब अल्लामा की कौम महकूम कौम थी, अंग्रेज का राज था। अल्लामा ने कहा अपनी कौम को उभारते हुए, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज आप एक आजाद कौम हैं, आप राख का ढेर नहीं हैं। आपके सीनों में ईमान की कुव्वत है, आपकी आंखों में जोश है, जज्बा है। आज आपने जाबिर को, जालिम को बताना है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दस्ते कातिल को झटक देंगे। दुनिया की कोई रियासत ऐसी नहीं है जिसके पास गोली ना हो, असला ना हो, प्यादे ना हो, बूट ना हो, लेकिन दुनिया की किसी रियासत में वो नहीं होता जो यहां हो रहा है। यहां ये बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि जाबिरों ने ये समझ लिया कि हम खामोश रहेंगे, हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं आज पूरे पाकिस्तान को कहता हूं, हर बलोच को कहता हूं, हर पठान को कहता हूं, हर पंजाबी को, हर सिंधी को, हर कश्मीरी को कहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों को कहता हूं,
کہ آج عمران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے، ایک چٹان کی مانند، ایک شیر کی مانند۔ وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے، نکلو اپنی آزادی کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر۔ اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا 1947 میں، آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ۔ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، پی ٹی آئی کے ٹائیگروں سے، لیکن پورے پاکستان سے، کہ ہم سب کے لیے کھڑے ہیں۔ ہر عورت، مرد، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، ہم سب اس گلدستے کا حصہ ہیں۔ ہم نے اس گلدستے کو مرجھانے نہیں دینا، ہم نے باہر نکلنا ہے۔ علی امین اعلان کریں گے، ہم نے کال دینی ہے، ہم بالکل باہر نکلیں گے اور ہم جبر کے قلعوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔